वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसिडेंट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के बारे में। ये सेक्शन 5 कहता क्या है, पहले हम आसान शब्दों में इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पूरे सेक्शन को समझेंगे। सेक्शन 5 बेसिकली कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू है वो दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जो वो भी हिंदू है, तो उसके लिए उनको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सिंपल सी भाषा में ये कि अगर हिंदू मैरिज हो रही है, अगर कहीं हिंदू विवाह हो रहा है, तो उसके लिए कुछ जो है कंडीशंस होती हैं। जैसे हर एक काम के लिए उसमें कुछ कंडीशन होती है ना, इस तरीके से हिंदू मैरिज के लिए भी। हम किसी और रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदू रिलीजन के बारे में। तो हिंदू रिलीजन में हिंदू मैरिज करने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है जो दोनों ही पार्टनर्स को फुलफिल करना पड़ता है। सेक्शन 5 उन्हीं कंडीशंस के बारे में बात करता है। सो बेसिकली सेक्शन 5 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज से हिंदू शादी करना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ये जो कुछ कंडीशंस है, ये बेसिकली 5 कंडीशंस है जो पूरा करना पड़ेगा। Conditions for Hindu marriage, 5 conditions हैं जो Hindu marriage act का section 5 बताता है। So basically, अगर इन conditions को fulfill नहीं किया गया और शादी कर ली गई, तो शादी या तो फिर void marriage होगी, शादी या तो void marriage होगी या voidable marriage होगी। अब ये void marriage और voidable marriage क्या है, इसको हम simple से language में भी समझ लेते हैं। इस पर हम डिटेल में वीडियो में समझेंगे किसी दूसरे वीडियो में। वॉइड मैरिजेस वो मैरिजेस होते हैं जिसको जो लॉ है वो शुरू से ही जीरो कंसीडर करता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वॉइड मैरिज क्या है, जिसको लॉ जीरो मानता है, शून्य मानता है, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। जो वॉइडेबल मैरिजेस होते हैं इनकी कुछ वैल्यू तो होती है, लेकिन ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है। पार्टनर अगर चाहे तो उस शादी को वो वॉइड में कन्वर्ट करवा सकता है। वॉइडेबल मैरिजेस वो मैरिजेस हैं जिसको एक पार्टनर, दोनों पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो उसको वॉइड में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ऐसी शादियां जो वॉइड में कन्वर्ट हो सकती हैं वो वॉइडेबल मैरिजेस हैं, और जो ऑलरेडी वॉइड है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो वॉइड मैरिज है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली इन कंडीशंस को अगर आप जो है फुलफिल नहीं करते हैं, इन कंडीशंस के बिना अगर आप शादी कर लेते हैं, तो जिस कंडीशन को आप बिना फुलफिल किए शादी करेंगे उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि शादी आपकी वॉइड है या वॉइडेबल है। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं, हम इन कंडीशन में बात कर लेंगे। हर एक कंडीशन को जब हम समझेंगे तो बताएंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो शादी वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी, समझेंगे। चलिए अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंडीशन के बारे में। पहला कंडीशन कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हिंदू विवाह करना है, हिंदू मैरिज करना है, तो उस समय उसका कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। लिविंग स्पाउस का मतलब ये हुआ कि उसकी पहली बात तो ऑलरेडी शादी ना हुई हो, और अगर मानो शादी हुई भी है तो उस समय जब वो शादी कर रहा है दोबारा, तो उस समय जो उसका पार्टनर है जिससे पहले शादी हुई थी वो अलाइव ना हो। अगर उसका पार्टनर मर गया है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मरा नहीं है, वो लिविंग स्पाउस है, तो वो शादी जो है वैलिड नहीं होगी। और इस सिचुएशन में अगर शादी होती है तो वो एक वॉइड मैरिज होगा। वॉइड मैरिज का मतलब समझ में आ गया, अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे और शादी कर लेंगे तो शादी क्या होगी, वॉइड मैरिज होगी। ये बात हम समझ में आ गई। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी भी पार्टनर का कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन के बारे में। दूसरे कंडीशन में बेसिकली तीन बात कही गई है, ये तीनों बातें हमें समझनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आप आराम से समझोगे। जब आप एक्ट पढ़ोगे तो एक्ट में नेगेटिव लैंग्वेज यूज किया गया है, हम पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ उसको समझेंगे। सो दूसरा जो कंडीशन है उसमें जो पहली बात है, पहली बात कहता है कि किसी भी शादी के लिए कंसेंट का होना जरूरी है, सहमति के बिना शादी नहीं होगी। अगर दो पार्टनर्स आपस में शादी कर रहे हैं, पति पत्नी, तो कंसेंट जरूरी है, वैलिड कंसेंट इज रिक्वायर्ड। कंसेंट के बिना शादी
वो शादी नहीं मानी जाएगी, और अगर बिना कंसेंट के शादी होती है तो वो वर्डिबल मैरिज हो जाएगा। सपोज करो कि एक पार्टनर ने तो कंसेंट दे दिया, लेकिन दूसरे पार्टनर ने कंसेंट नहीं दिया। कंसेंट ना देने के पीछे एक रीजन हो सकता है अनसाउंड माइंड होना। अगर सपोज करो कि अनसाउंड माइंड होने की वजह से किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो अनसाउंड माइंड होने की वजह से अगर सपोज करो कि किसी ने कंसेंट नहीं दिया, तो यहां पर उस पार्टनर के पास ऑप्शन होगा कि वो उस शादी को वॉइड करवा सकता है। अगर सपोज करो कि एक व्यक्ति का माइंड जो है साउंड है और दूसरे का अनसाउंड है, तो जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जाहिर सी बात है वो तो कंसेंट नहीं दे सकता। तो इस सिचुएशन में अगर शादी होती है तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के पास राइट होगा कि वो इस व्यक्ति के अगेंस्ट अपनी शादी को वॉइड करवा ले। तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो वॉइडेबल मैरिज की होगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सबसेक्शन टू में जो दूसरी बात है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कंसेंट जो है मिल गया, वैलिड कंसेंट मिल गया, कोई भी जो है अनसाउंड माइंड नहीं है, दोनों ही पार्टनर साउंड माइंड है और उन्होंने अपना कंसेंट दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि दोनों ही पार्टनर साउंड माइंड के हैं, दोनों ही पार्टनर साउंड माइंड के, लेकिन किसी एक पार्टनर का जो मेंटल सिचुएशन है, जो मेंटल सिचुएशन है वो खराब है। कभी कभी जो है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब है तो वो शादी के लिए तो अनफिट है, हो सकता है कि वो बच्चा पैदा करने के लिए भी अनफिट हो। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, शादी करने के लिए वो अनफिट है या बच्चा पैदा करने के लिए अनफिट है, तो वो शादी नहीं कर सकता है। ये कंडीशन है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। अब इस बार जो तीसरी बात है सबसेक्शन टू में वो है कि कोई पार्टनर ऐसा ना हो जिसको अटैक्स आते हो, इंसैनिटी के अटैक्स आते हो, होता है ना पागलपन का दौरा पड़ता है किसी किसी को, या फिर मिर्गी मिर्गी आती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी शादी नहीं हो सकती है। किसी को पागलपन का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो है जरूरी है शादी को करने के लिए। अगर इन तीनों सिचुएशंस में शादी होती है तो वो जो शादी होगी वो वॉइडेबल होगी। सो आपको ये सब दूसरी कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन के बारे में। तीसरा कंडीशन साफ साफ शब्दों में कहता है कि भाई देखो, जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, जो लड़का है, वो एटलीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए, और जो ब्राइड है, जो लड़की है, वो 18 साल की होनी चाहिए। अगर इससे कम एज में शादी हो रही है तो वो शादी जो है वॉइडेबल मैरिज होगी। कोई भी पार्टनर जो है उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ये है तीसरी कंडीशन। अब इसके बाद बात करते हैं अपने चौथे कंडीशन के बारे में। ये चौथा कंडीशन और पांचवा जो कंडीशन है थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड को हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में और आसान शब्दों में समझाऊंगा कि दोनों ही पार्टीज, जो चौथी कंडीशन है वो कह रहा है कि दोनों ही पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है इसको समझना जरूरी है। देखो, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें शादियां नहीं हो सकती, जैसे चाचा की भतीजे के साथ शादी नहीं हो सकती, बुआ की जो है अपने भतीजे के साथ शादी नहीं हो सकती, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिसमें आपस में शादियां नहीं कर सकते, तो वो जो रिलेशंस होते हैं उनको हम हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बोलते हैं। तो बेसिकली जब शादी हो रही है तो दोनों ही पार्टनर्स जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। अगर उनके बीच में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है तो इस सिचुएशन में जो वो शादी है वो नहीं हो सकती। ये कंडीशन मानना बहुत जरूरी है। और अगर मान लो शादी हो गई तो वो जो शादी है वो आएगी वॉइड मैरिज की कैटेगरी में, वॉइड मैरिज हो जाएगा। अगर शादी हुई इस कंडीशन को बिना फुलफिल किए तो वो जो मैरिज होगा वो वॉइड मैरिज होगा। ये था चौथा कंडीशन। अब इसके बाद बात करते हैं अपने पांचवें कंडीशन के बारे में। ये कंडीशन भी सेम सेम जो है चौथे कंडीशन की तरह ही है। ये बेसिकली बात करता है सपिंडास के बारे में। पार्टीज आर नॉट सपिंडा ऑफ ईच अदर। सपिंडा क्या होता है इसको भी आसान शब्दों में समझ दो। सपिंडा का मतलब होता है एक ही पिंड से आने वाले लोग, मतलब कि इसके पुरखे पुरानी वो एक ही हैं। तो ऐसे लोग जिनके जो पुरखे हैं वो एक ही हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही पिंड के हो गए। तो एक ही पिंड के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ये भी कंडीशन है, इसको फुलफिल करना होता है। अगर एक ही पिंड में शादी होती है तो वो शादी क्या होगी,
वॉइड, वो क्या होगी, वॉइड मैरिज। तो इस तरह से बेसिकली ये पांच ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना होता है अगर किसी भी व्यक्ति को हिंदू मैरिज, किसी भी व्यक्ति को हिंदू विवाह करना है तो। सो ये कंडीशन कहाँ मिलता है, सेक्शन 5 में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 5 क्या कहता है, पांच कंडीशंस के बारे में बात करता है और ये पांचों कंडीशंस क्या हैं वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।